के बाद कई भारतीय वहां फंसे हुए हैं। कानपुर के रहने वाली आकांक्षा शुक्ला भी यूक्रेन में फंस गई है। लाल बंगल क्षेत्र की रहने वाली आकांक्षा यूक्रेन से एमबीबीएस कर रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच तनाव बढ़ने के बाद परिजनों ने उसका भारत का टिकट करा दिया था, लेकिन 24 फरवरी को उसे यूक्रेन से फ्लाइट पकड़कर इंडिया आना था। रूस के यूक्रेन में हमला करने के बाद सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिससे कानपुर के कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, सभी के बच्चों को भारत सरकार एयरलिफ्टिंग के वंदे मातरम की एयरलिफ्टिंग के द्वारा इंडिया बुला लें। सरकार के ऊपर सरकार हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी करे, मेरा सरकार से यही अनुरोध है, जितना जल्दी से जल्दी हो वो भारत में बच्चों को लिफ्ट आउट कर लें। भारत सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि बच्चों को किसी भी तरह जो है हेल्प पहुँचा कर उनको वहाँ से लिफ्ट करके वापस लाए। एक हमारे बच्चे ने सभी के बच्चों को वापस लिफ्ट कराया। कानपुर के दो छात्र छात्रा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए छात्र यूक्रेन में फंस गए और छात्र छात्राओं ने बंकर से वीडियो बनाकर अपना भेजा है। परमिट के भाई बहन ने वीडियो बनाकर भेजा और यूक्रेन में फंसे कानपुर की बेटी जेंसी सिंह भी परिजनों को फोन लगाकर मदद की मांग कर रही है। यूक्रेन में मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट पे रह रही जेंसी एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी। जेंसी एमबीबीएस फोर्थ ईयर की पढ़ाई कर रही है, जिससे वीडियो बनाकर घर वालों को बनाई अपनी आप भी थी। तो देखिए बंकर से ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जहां पर जो बच्चे छात्र और छात्राएं भारत के यूक्रेन में फंसे हैं। और वहीं बलिया में के भी यूक्रेन में जो मेडिकल के छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। छात्र ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। नगरा कस्बे का रहने वाला है छात्र मनीष जायसवाल। तो देखिए किस प्रकार से रूस ने जब यूक्रेन में अटैक किया था तो वहां का वीडियो मनीष ने बनाकर सीधे भेजा है। वो तस्वीरें हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। बलिया का रहने वाला है ये मनीष, जहाँ पर यूक्रेन में जब घटना हुई है तो उसकी तस्वीरें उसने बना के भेजी। मांग की जा रही है मदद की, कि मदद करे सरकार। और देखिए लगातार सरकार, देखिए देर रात भारत सरकार की बात भी हुई,